बिरयानी है उसका काफी कंपटीशन है लाहौर शहर में और काफी टेस्टी है लोगों का। हाँ, तो आपका किसके साथ कंपटीशन है? माशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद आपकी एक देग खाली होती है, तो दिन में कितनी देग? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग में। इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर दिल्ली गेट के अंदर और उसके पास है लाहौर बिरयानी वाला और मेरे साथ है अली रजा। अली रजा, क्या हाल है, कैसे है? ठीक ठाक है, कैसे है, कहाँ पर आए हुए हैं आज आप? आज हम आए दिल्ली गेट लाहौर बिरयानी वाले के पास। सही, आज हम आए हैं लाहौर बिरयानी के वाले के पास और आज हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं फर्स्ट टाइम हम आए हैं कि इसका टेस्ट कैसे हमारे साथ रहे। वीडियो कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। लाहौर बिरयानी वाले यहाँ पर इनका सेटअप है, ये देखिए जरा, ये दिल्ली गेट के पास। माशाल्लाह देखिए इनका सेटअप है, ये कबाब है, ये कबाब फ्राई कर रहे हैं। ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो है ना देग आने लग गई है, ये देग डालने लग गई है, ये देग आ गई है। देखिए जरा हर 15 मिनट के बाद जो है ना ये देग जो है ना वो खत्म हो जाती है। हर 15-20 मिनट के बाद तकरीबन देख खत्म हो जाती है। देखे जरा माशाल्लाह, देखे बिरयानी चावल, ये माशाल्लाह गर्मा गर्म चावल। बस ये माशाल्लाह देखे तैयार कर रहे हैं। लेग पीस जो है कट कर रहे हैं बिरयानी में ऐड करने के लिए। ये माशाल्लाह देखे जरा राइस रखे हुए मीठे, चलो जो पीस होते हैं फ्राई वो यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार ये जो है लेग पीस वगैरह, उसके बाद जो है ना ये देखे मसाला इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। इनका सेटअप देखे, सिटिंग एरिया है पूरा और पीछे जो आपको नजर आ रहा है फैमिली हॉल है। ये देखे माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो बनाया हुआ है और ये जो है ना बाकी जो दूसरा है वो फैमिली हॉल है। ये देखे सिटिंग एरिया। क्या हाल है भाई जान, नाम क्या आपका? माशाल्लाह ये जो आपने इतना रश लगाया हुआ है, अल्लाह पाक ने इतना ज्यादा दिया हुआ, तमाम जोग दर जोग दर आपके पास आ रही है। आप ये बताइए सेटअप कितने अच्छे से आप लगा के बैठे? जो आपको नजर आ रहा है ये एक दिन का सेटअप नहीं है, ये इसके 21 साल से हम इस फील्ड के अंदर है और इसके अंदर हमने अपना तकरीबन जिस जगह पे आप आए हैं ये दिल्ली गेट मस्जिद वजीर खान के बिल्कुल ऑपोजिट हमारी शॉप है। पहली ब्रांच हमारी शालम मार्केट के अंदर है, सेकंड ब्रांच हमारी ये है जो इनसे 21 साल का सफर है। जो आज के दिन के अंदर इस महंगाई के दौर में 2024 के अंदर 580 रुपये का जो हमारा एक प्लेटर है उसके अंदर हम अपना 1 kg से जायद 1100 ग्राम के करीब इसके अंदर राइस देते हैं और राइस की स्पेशल क्वालिटी के, और इसके अलावा चिकन रोस्ट पीस होता है इसके अंदर हमारा 300 ग्राम का, फिर इसके अंदर अपना एक सीख कबाब होता है चिकन का, इसके अंदर हमारा एक होता है 200 ग्राम मतंजन जर्दे की डब्बी है उसके लिए खाने के बाद तो मीठा खाना सुंदर है, और इसके अलावा इसके अंदर हमारा एक रायता होता है सैलड होती है इंक्लूडेड, फिर मुकम्मल हमारा एक पैकेज होता है जो हम 580 रुपये के अंदर कस्टमर को देते हैं। अब मेरे इर्द गिर्द जितने आबादी है जितने एरिया है लोगों ने अपने घर में खाना बनाना छोड़ दिया है, वो एक बिरयानी को लेके जाते हैं 2 से 3 अफराद को इजीली अवेल कर लेते हैं। यानी कि आपकी जो एक बिरयानी जो प्लेटर आप देते हैं वो 2 बंदे इजीली खा सकते हैं? 2 बंदों वाली बिरयानी इसे कहते हैं। उसके लिए अगर आप दुकान पे आते हैं आपने जाहिर अकेले आए हैं, आपने एक बिरयानी का ऑर्डर दिया है, लेकिन आप उधर बैठ के सीटिंग के अंदर आप एक बंदा अगर बिरयानी एक ले रहा है तो वो उसको एक बार ले, 2 बार ले, 3 बार ले, पेटू खान को देख खा जाए तो फिर बैठ के इसलिए उसको वही मिलती रहती है। मतलब उसको कह दे कि आप ग्रेवी जो सालन वगैरह मिलती है हम बिरयानी की देते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा राइस आप उसके साथ? एक्स्ट्रा राइस बाहर कस्टमर के लिए होते हैं, अगर 2 कस्टमर है तो उन्हें 1 बार या 2 बार मिल जाते हैं, जो पर पर्सन अकेला बंदा होता है वो 10 बार लेकर 10 बार हमसे देते हैं। आप ये बताएं कि जो राइस जो बिरयानी है उसका काफी कंपटीशन है लाहौर शहर में और काफी टेस्टी है लोगों का। हाँ, तो आपका किसके साथ कंपटीशन है? सर मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चीज अपना मियार खुद बनाया होगा। ये आजम मार्केट के अंदर आप इधर आए हैं, आजम मार्केट में कम अज कम 100 बंदा बिरयानी वाला होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जो मैं इस जगह पर बैठा हूँ, यहाँ से बीएचए से भी कस्टमर आ रहा है, इधर बैरियर टाउन से भी कस्टमर आ रहा है, और आप ये समझते हैं कि आप भी ट्रेवल करके आए होंगे कि अंदरून दिल्ली गेट के अंदर आना आप जैसे बाइक पे आए हैं तो किस तक मुश्किल है, और जो लोग बैरियर टाउन से या जो लोग बीएचए से जो फाइबर साइड से आते हैं तो लोगों के अंदर कोई चीज मिलती है तो इतना ट्रैवल करके फिर अपने रश के अंदर गाड़ी को पार करते हैं, फिर पैदल धक्के खाते हुए इधर आते हैं, फिर इधर भी 15-20 बंदों के पास की बारी आती है, फिर लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह ताला का बहुत करम है, रहमत मेरी माँ की दुआएं। माशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद आपकी एक देग खाली होती है, तो
दिन में कितनी देगी सर? ये देग कहने को देग होती है, लेकिन हमारी ये 30 से 35 प्लेट होती है। जो 12 केजी की देग होती है उसका वेट हो जाता है 44 किलो, और उसके अंदर हमारी 35 से 36 देग अपना प्लेटें निकल के वो देग खत्म हो जाती है। इसलिए लगता है कि 15-20 मिनट में देग आ रही है, लेकिन हमारी क्वांटिटी इतनी है कि वो 15-20 मिनट बहुत ज्यादा है, वो खत्म हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि 35 प्लेटें निकलती है और वो खत्म हो जाती है। उसके आने से पहले इतनी पर्चियां और बनी होती है, क्योंकि वो भी ऐसे खत्म होती है। जो खाने का टाइम होता है 2 से लेकर शाम 6 बजे तक का, उसमें ये रश होता है, उसके बाद भी वो 1 घंटे बाद दे जाती है। अब टेस्ट कैसा है? हम ट्राई करते हैं, हमें प्लेटर बना के दे, अब हमें कैसा टेस्ट लगेगा? सर टेस्ट का फैसला देते हैं, कोई भी दुकानदार अपनी चीज को बुरा नहीं कहता है, टेस्ट का फैसला आपने करना है, खाने वाले ने करना है। खाने वाला उसको फैसला करके वो अपने व्यू देगा, मैं उसके ऊपर तस्लीम करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 21 साल से व्यू ले रहा हूँ और आज तक जो ले रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप कहेंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब जो लोग देख रहे हैं आप, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर मैं उनको मैसेज ये देना चाहूंगा कि जो खाने के शौकीन है वो बहुत बहुत दूर पहुंच जाते हैं खाने के लिए। एक बार आपने जरूर इसको ट्राई करें, सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई करें, एक बार हमारे कहने पर, बार बार आपके चाहने पर इंशाल्लाह। मेरा प्लेटर तैयार करने लग गया, ये देखे जरा, ये पहले वो चावल डालेंगे इसमें प्लेटर में, पूरा प्लेटर तैयार हो रहा है, प्लेटर चेक करें। ये जो है ना इन्होंने मीठा राइस और ये कबाब इन्होंने ऐड किया, और इसके साथ जो है ना ये प्रैक्टिस करेंगे, ये तैयार हो गया। उसके बाद रायता डालेंगे आप, ये रायता वगैरह, ये देखें इसमें रायता डलेगा जो है ना, रायता ऐड होने लगा, ये देखें जरा फुल हो गया। ये सलाद ऐड होगी इसमें, ये पूरा प्लेटर जो है ना वो तैयार हो चुका, तैयार हो गया यार। ये देखें, इसको हम टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट। चलो हमारे पास राइस आ चुके हैं, ये देखें जरा। ये अली भाई इसका टेस्ट करके बताओ यार, टेस्ट करके बताओ ये कैसा। हाँ जी आप ही टेस्ट करो, ये देखें ये माशाल्लाह, ये कैसा टेस्ट है? बहुत ही स्पाइसी टेस्ट है, जो इसका वो चिकन है ना वो बहुत क्रिस्पी है, बहुत ही अलग टेस्ट है यार। ये मैं ये रायता डाल के ना इसमें, अब आपको मैं बताता हूँ कि यार मैं फर्स्ट टाइम बाइट लेने लगा हूँ और इसका टेस्ट कैसे है। देखें ये बाइट है माशाल्लाह, ये बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह इनका जो ये जो चिकन का पीस है ना अली भाई, ये बहुत अच्छा है, राइस भी बड़ा टेस्ट है इनका। एक दफ़ा आप जरूर आए ट्राई करें और वो बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये बताएं जो भी यहाँ पर आया और पहले जिसने खाया होगा वो भी लाजमी हमें बताएं। हमारी मौजूदगी में हम खा रहे थे तो उसके बाद ये दूसरी भी देख उसके साथ, मतलब जो है ना देख बार बार जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऐसा काम है कि वो रुकता नहीं है, जो ये पतीला तैयार करते हैं वो साथ साथ आता है, वो खाली होता है। इसका एड्रेस है, जब आप दिल्ली गेट से अंदर एंटर होंगे ये आपके लेफ्ट साइड पे वजीर खान मस्जिद है, और उसके बिल्कुल आप सीधा जाएंगे, सब आप आगे आएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल उस वजीर खान मस्जिद के बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना, ये देखिए लाहौर बिरयानी। जी व्यूअर्स हमने टेस्ट किया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लग गया है कि दो बंदे इसको इजीली दिखा सकते हैं। और इसके साथ आपने देखा कि वीडियो में सारा कुछ अवेलेबल है, रायता भी दिया उन्होंने, और जो पीस है लेग पीस बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बिरयानी है। ये देखिए आवाम का रश यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो रहा, और यहाँ पर वैसे भी दिल्ली गेट का इतना ज़्यादा रश होता है तो यहाँ पर लोग जो है ना वो आते जाते रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और सामने देखें ज़रा कितना रश है। और यहाँ पर आप लाजमी हैं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका, और विजिट करें और हमें लाजमी बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।